हेलो मित्रों, मैं हूँ सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक हेलोवीन पार्टी की खौफनाक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुमन है और मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। हाल ही में हमारे कॉलेज में हेलोवीन पार्टी का आयोजन किया गया था। मुझे पार्टियों में जाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपनी सहेली जैस्मिन को भी पार्टी में आने के लिए कहा। पार्टी का दिन आ गया। मैंने क्रीपी क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और जैस्मिन ने चुड़ैल बनने का डिसाइड किया था। हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। शाम को हम कॉलेज पहुँचे तो पार्टी शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था। इंतज़ार करते करते सभी लोग आ गए और पार्टी शुरू हो गई। सबने अलग अलग पोशाकें पहन रखी थी, जैसे कोई भूत बना था तो कोई चुड़ैल। मुझे एक लड़के ने अपने साथ डांस करने के लिए अप्रोच किया तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। हम डांस फ्लोर पर ज़बरदस्त डांस कर रहे थे कि अचानक लाइटें बंद हो गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैंने जैस्मिन को बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक ही मैं बहुत घबरा गई। कुछ देर बाद लाइटें वापस आई तो मैंने देखा कि सभी लोग एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे और कोई हिल भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी को किसी ने पोजेस्ट कर लिया हो। अचानक सभी ने मेरी ओर मुड़ कर देखा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जैस्मिन खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। मैं बेहोश होने ही वाली थी कि तभी मुझे किसी ने झकझोरा और मैंने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। म्यूजिक बज रहा था और सभी डांस कर रहे थे। जब मैंने जैस्मिन से ये सब शेयर किया तो जैस्मिन ने कहा कि तुझे कुछ देर के लिए बेहोशी आ गई थी, इसीलिए शायद ये सब तू इमेजिन कर रही होगी। मुझे जैस्मिन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ वो सच था। मैंने डांस फ्लोर से बाहर निकलकर पार्टी हॉल के आसपास घूमना शुरू किया। पार्टी हॉल के पीछे वाले हिस्से में जाकर मुझे एक पुराना सा कमरा दिखा। मैंने सोचा शायद वहाँ जाकर मुझे कुछ सुराग मिले, इसीलिए मैं उस कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो एक पुराने पियानो को छोड़कर वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही मैं वापस मुड़ी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं घबरा कर पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे पियानो से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं ध्यान से सुनने लगी तो कोई धीरे से पियानो बजा रहा था, मगर पियानो के पास कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं वापस पार्टी में जाने ही वाली थी कि अचानक से पियानो बजना बंद हो गया और फिर एक डरावनी महिला की हंसी की आवाज़ आने लगी। मैं इतना डर गई कि मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। सभी ने मुझे बताया कि पार्टी के दौरान मुझे लगातार बेहोशी आ रही थी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। शायद उस जगह कोई बुरी आत्मा भी मौजूद थी जो मुझे पजेस करना चाहती थी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गई थी।